नमस्कार, आपके अपने चैनल लकी डिश पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कार्य। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिश आपसे लगातार अपील करता आ रहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें, अनावश्यक घरों से बाहर निकलें, शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। सावधानियां ही कोरोना से बचाव के उपाय हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बेकाबू हो रहे कोरोना की रफ्तार को लेकर। पन्ना में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में मिले 164 मरीज। जिले भर में कई लोगों की कोरोना से संक्रमण के चलते संदिग्ध मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहा संक्रमण, कई शासकीय विभागों में फैला संक्रमण, डॉक्टरों सहित चिकित्सीय स्टाफ, पत्रकार व अधिकारी संक्रमित मिले। स्थिति से निपटने सांसद लेंगे आपदा प्रबंधन की बैठक। अब तक कोरोना संक्रमण पन्ना में सामान्य रूप से फैला था और मौतों के मामले में भी अधिक मामले नहीं थे। यही कारण है कि पन्ना में लोगों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया और लेकिन इस बार कोरोना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले में कोरोना बेकाबू हो चुका है। एक दिन में आज पन्ना में रिकॉर्ड 164 मामले दर्ज किए गए, जबकि कोरोना की पहली लहर में सर्वाधिक मामले 38 ही थे। लेकिन इस बार पिछले दिनों में क्रमशः 98, 143 व 164 मामले सामने आने के बाद अब लोग बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का मामला भी इस बार बेहद ज्यादा है। शहर में ही कई नामी लोगों की मौत के बाद लोग सहमे हुए हैं। अब तक कोरोना को हंसी में लेने वाले भी इसे लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का विरोध करने वाले लोगों ने इस बार आगे आकर लॉकडाउन लगाने की अपील की, जिसके चलते आज से 22 अप्रैल तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सक अधिकारी से लेकर सिविल सर्जन तक संक्रमित है। इसके अलावा कई डॉक्टरों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई मेडिकल स्टाफ, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारियों के परिजन भी संक्रमण की चपेट में है। यही कारण है कि संपूर्ण लॉकडाउन के सहारे इस बार कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज हुई मौतों की बात करें तो पन्ना निवासी वरिष्ठ नागरिक श्यामेंद्र नाथ दीक्षित का रीवा में उपचार के दौरान निधन हो गया। इनकी मौत भी संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने इनकी पुष्टि नहीं की। इसी तरह धाम मोहल्ला निवासी 80 वर्षीय प्रभावती शर्मा का भी आज निधन हुआ है। ये कोरोना संक्रमण से ग्रसित बताई जा रही है। कुछ दिन पूर्व टिगुरिया मोहल्ला निवासी बीके नायक का निधन संक्रमण के चलते हुआ था। उनकी 70 वर्षीय पत्नी भी आज इस संक्रमण के चलते अलविदा कह गई। धाम मोहल्ला निवासी हीरा व्यापारी गोविंद साहू का भी आज निधन हुआ है। ये भी संदिग्ध कोरोना संक्रमण का मामला बताया जा रहा है। इनके अलावा सिंहपुर व पवई में भी कोरोना संक्रमण से मौतों के संदिग्ध मामले देखने को मिले हैं। जिले भर में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत ने संक्रमण की भयावहता को प्रदर्शित किया है। यही कारण है कि जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि लोगों से घरों पर रहने की अपील कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 22 तक जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू। अपर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जीपी दुबे द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण प्रभावी नियंत्रण व जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71-72 के तहत संपूर्ण जिले में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। पन्ना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में दिनांक 15 अप्रैल 2021 को रात्रि 10 बजे से दिनांक 22 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकलें। इस दौरान किसी प्रकार का जुलूस आदि निकालना प्रतिबंधित रहेगा। शादी विवाह धार्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में भ्रामक अथवा आधारहीन समाचार प्रसारित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में आगामी 10 दिनों तक आवागमन प्रतिबंधित होगा। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जन सामान्य को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है को विशेषता सूचना समन्वयक रूप से तामीली किया जाना संभव नहीं है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाता है। इस सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला अस्पताल कार्यालय, समस्त राजस्व अधिकारी कार्यालय,
समस्त जनपद पंचायत कार्यालय पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ आमजन की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 71, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पीड़ितों का नहीं हो रहा टेस्ट, लोग हुए परेशान, कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित ने उठाए सवाल। कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री श्रीकांत दीक्षित ने पन्ना शहर में कोरोना के हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रशासन और राजनेताओं से जिले में कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पन्ना शहर में कोरोना बहुत तेजी से फैल गया है, हर घर और मोहल्ले में कोरोना मरीज मौजूद हैं, पर जिले में प्रशासन की व्यवस्थाएं सुन्न पड़ गई हैं। जिला अस्पताल की स्थिति बदतर है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और डॉक्टर पीड़ित को देखने के लिए मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, सुबह से ही जिला अस्पताल के सामने कोरोना टेस्ट कराने वालों की भीड़ लग रही और प्रशासन धक्के मारकर मरीजों को भगा रहा है। कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित ने कहा कि एक वर्ष पूर्व से दवाइयां, बेड और अन्य सुविधाओं के लिए शिवराज सरकार दावे करती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पन्ना में टेस्टिंग किट ही मौजूद नहीं है। लोगों की एक सप्ताह तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है और अब तो और स्थिति खराब हो गई है कि प्रतिदिन 400 लोग कोरोना टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग मात्र 70 लोगों के सैंपल एकत्र कर रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। अगर लोगों की रिपोर्ट ही प्राप्त नहीं होगी और उनका टेस्ट नहीं होगा तो पन्ना में कोरोना और भी तेजी से बढ़ जाएगा और लोगों के जीवन में गंभीर खतरा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में दवाइयों का भारी अभाव है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके अलावा अन्य दवाइयों की भी कमी की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। दीक्षित ने जिम्मेदार राजनेताओं और अधिकारियों से मांग की है कि पन्ना में सभी पीड़ितों के सैंपल कराए जाएं, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मंगाकर तत्काल परीक्षण की व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा शहर की स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी, फिर हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा और इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ेगा। पंच ने सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकालने के लगाया आरोप। मनरेगा गौशाला सहित कई निर्माण कार्यों में किया जमकर भ्रष्टाचार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही हो, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला पवई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत घोटेही में सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम भाई ने सचिव अनिल सक्सेना पर भ्रष्टाचार और शासकीय राशि को फर्जी दस्तखत कर निकालकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सरपंच प्रेम भाई अपने पति के साथ जिला पंचायत पहुंचकर सचिव अनिल सक्सेना के द्वारा किए जा रहे फर्जी दस्तखत से राशि आहरण कर भ्रष्टाचार की जांच के लिए शिकायती आवेदन दिया। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम भाई ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत घुटेही का सचिव अनिल सक्सेना हमारे फर्जी दस्तखत करके शासन की राशि आहरित कर रहा है, साथ ही न तो राशि आहरण की जानकारी दी जा रही है, न ही हमारे DSC के डोंगले को हमें दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, साथी घायल, ट्रक की ठोकर से हुआ दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे 39 में घटित हुई घटना। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 39 में शाम 5 बजे दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जिसमें ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे ककरेटी डाकघर में पदस्थ विपिन कुमार शर्मा, उम्र 45 वर्ष, निवासी पुरुषोत्तम पर, जो अपना काम समाप्त करके ककरेटी से पन्ना की ओर अपने साथी दिनेश कुमार खरे, निवासी धाम मोहल्ला के साथ आ रहे थे। जैसे ही वह 17 रोड जंगल ढाबा के पास पहुंचे, सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक MB35HA0706, जो पन्ना से देवेंद्र नगर जा रहा था, बाइक को जोरदार ठोकर मार दी और वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार विपिन कुमार शर्मा व दिनेश कुमार खरे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने विपिन कुमार शर्मा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतर्राज्यीय मार्ग में रफ्तार के गैर से बचने पुलिस ने बनाए गति अवरोधक। नागौद कालिंजर स्टेट हाईवे राजमार्ग में हादसों पर मद्देनजर रखते हुए थाना प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा व चौकी प्रभारी RG द्विवेदी द्वारा पहाड़ी किला बस स्टैंड व सभी चौराहों में लोहे के ड्रमों को लगाकर तेज वाहनों से होने वाले हादसों से बचने के लिए गति अवरोधक बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्ष पूर्व नागौद कालिंजर मार्ग पर पहाड़ी किला बस स्टैंड में एक बेलगाम ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े 5 लोगों को कुचल दिया था,
जिनमें दो की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे इस तरह की दर्दनाक हादसे की पुनरावृत्ति न होने के चलते बस स्टैंड में अस्थायी रूप से सड़क के किनारे चाय पान की दुकान रखे दुकानदारों को थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी द्वारा सड़क से दूर रहने के सख्त हिदायत दी गई। साथ ही सड़क से तेज वाहन गुजरने वाले वाहनों को रोककर धीरे चलने की चेतावनी दी गई, जिससे सड़क पर बैठे बेजुबान आवारा पशु भी हादसे का शिकार न हो सके। इस सराहनीय कार्य हेतु ग्राम एवं क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र तथा उप आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद रहेगा। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं अन्य हितग्राहियों के उपस्थित पूर्णता प्रतिबंधित होगी। इस अवधि में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं 11 से 14 वर्ष की साला त्यागी किशोरी बालिकाओं को THR तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूहों के माध्यम से RTE का वितरण अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुलाकर दिया जाएगा। केंद्र पर हितग्राही के उपस्थित नहीं होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका द्वारा संबंधित के घर पर वितरित किया जाएगा। टेक होम राशन उपलब्ध न होने पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं व 11 से 14 वर्ष की साला त्यागी किशोरी बालिकाओं को RTE उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 6 दिवस के लिए 1 किलो 200 ग्राम गेहूं, 250 ग्राम मूंग दाल, 250 ग्राम गुड़ उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए न्यायालयीन समय में परिवर्तन। पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण तीव्र गति से विस्तारित हो रहा है। न्यायालय से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, ADPO, GP, AGP जेल में निरुद्ध अभियुक्त की कोरोना संक्रमित संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कई अन्य कर्मचारी भी अस्वस्थ है। इन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में पन्ना जिला न्यायालय स्थापना के न्यायालयों की कार्यवाही को नियंत्रित किया जाना आवश्यक हो जाने के कारण कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण को रोके जाने की दृष्टि से न्यायालयीन कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 16 अप्रैल से 30 अप्रैल अथवा अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे। जारी दिशा निर्देश जिला न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के कार्य के समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशिक्षु न्यायाधीश के न्यायालयों का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरण, 3 वर्ष या उससे अधिक पुराने प्रकरण, ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा नियत समय अवधि में राहत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपील एवं पुनरीक्षण सिविल एवं आपराधिक मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जमा राशि के भुगतान संबंधी प्रकरण, सिविल आपराधिक एवं क्लेम प्रकरण जिनमें अंतिम तर्क सुनकर प्रकरण का निराकरण किया जा सके, भरण पोषण के संबंधित अर्जेंट प्रकृति के प्रकरण, जमानत सुपुर्दगी नामा, धारा 164 के कथन, रिमांड, अंतिम प्रतिवेदन, परिवार अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रवृत्ति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण जो न्यायालय में त्वरित सुनवाई योग्य है, वह प्रकरण जिनमें राजीनामा पेश किया गया है। राजेश तिवारी के निधन पर श्रद्धांजलि। राजेश तिवारी सहायक आपूर्ति अधिकारी व जिला चिकित्सालय पन्ना में उपचार के दौरान निधन हो गया था। जिला प्रशासन द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने एवं शोक संतप्त परिवार को असीम दुख को सहन करने की शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर JP दुबे के नेतृत्व में जिला कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर तिवारी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। अवैध कच्ची महुआ की शराब बनाने वाली भट्टी पर पुलिस टीम का छापा। अवैध कच्ची महुआ की 65 लीटर शराब एवं शराब बनाने वाली सामग्री सहित एक आरोपी गिरफ्तार। अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। बताया जाता है कि 14/2/21 को थाना प्रभारी अजयगढ़ निरीक्षक अरविंद कुजूर को विश्वस्त मुखबिरों द्वारा अवैध कच्ची शराब निर्माण कर रहे एक व्यक्ति दयालु कुशवाहा के बारे में जानकारी देते हुए सूचना दी गई कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर कछियाना मोहल्ले में अवैध कच्ची महुआ बना रहा है। थाना प्रभारी अजयगढ़ द्वारा तत्काल उक्त सूचना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा थाना प्रभारी अजयगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया,
जाकर उक्त पुलिस टीम को मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल राहगीर गवाह निवासी कचियाना मोहल्ला जिगड़ को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान कचियाना मोहल्ला जिगड़ आरोपी के घर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर एक प्लास्टिक के नीले रंग की कुप्पी लिए बैठा था, जो पुलिस को देखकर घर में घुस गया। तब हमराही बल की मदद से घर के अंदर घुसकर पकड़ा। नाम पता पूछने पर जिसने अपना नाम निवासी कचियाना मोहल्ला अजीगढ़ का होना बताया, जिसके घर की तलाशी ली गई, जो घर में नीले रंग के दो प्लास्टिक की कैनों में कच्चा महुआ की शराब भरे हुए था, जो शराब 65 लीटर लगभग कीमत 97 रुपए की थी। वहीं पास में शराब बनाने की भट्टी बनी है। मौके पर एक अदद चद्दर का कनिस्टर, एक पतली एवं चद्दर चुंगी चपटी किस्म की जो कच्ची महुआ की शराब बनाने का उपकरण है रखे पाया गया एवं पूछताछ पर शराब बनाकर विक्रय करना बताया। उक्त शराब के रखने एवं बेचने के संबंध में वैध कागजात मांगे गए, कोई कागजात नहीं होना बताया। तब आरोपी का कृत धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने के आरोपी के कब्जे से उक्त 65 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं शराब बनाने के उपकरण समच गवाहन निवासी कसियाना मोहल्ला जेगढ़ एवं R490 सत्यनारायण अग्निहोत्री के जब्त कर मौके पर सीलबंद की कार्रवाई की गई। आरोपी उक्त को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। जाकर मैं शराब एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी एवं पुलिस बल के वापस थाना आकर थाना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। बंद पड़ी नल योजना, गहराया जल संकट, कुएं का बदबूदार पानी पीने को मजबूर है ग्रामवासी। पहाड़ी के अंतर्गत नौनुआ ग्राम का मामला उदासीन PHE विभाग के अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना के पहाड़ी खीरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दिया कि नौगुआ ग्राम में भीषण जल संकट के हालात निर्मित है, क्योंकि ग्राम में जल आपूर्ति के लिए लगाए गए 3 हैंडपंप जो पिछले कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं, जिससे ग्राम की स्थिति यह है कि सिर्फ एक कुआं है जिसकी कभी साफ सफाई न होने से कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बावजूद ग्रामीण प्यास बुझाने के लिए कुएं का बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3 माह पूर्व PHE विभाग के द्वारा पूरे ग्राम में पाइपलाइन ठेकेदार के माध्यम से डलवाई गई थी, पर बोर में आज तक ना ही मोटर डाली गई और ना ही पानी की किसी भी प्रकार की व्यवस्था की गई। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों से पाइपलाइन डालते समय पर प्रकार की मिन्नतें की गई कि हमारे गाँव में पिछले कई वर्षों से पानी की बहुत ही विकराल समस्या निर्मित है, समस्या का निदान जल्द कर नल जल योजना को आरंभ करें, पर इसका निदान आज तक नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण इस तपन भरी गर्मी में सारा दिन कुएं का बदबूदार पानी ले जाने को मजबूर है और इस कुएं में भी पानी की मात्रा अत्यधिक कम है। अधिक गर्मी होने पर इस कुएं का भी पानी सूख जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में जल आपूर्ति के लिए दूसरा कोई जलाशय न होने के कारण गलाकर करने के लिए गांव से 2 किलोमीटर दूर धजुआ नाला से पानी लाने को मजबूर हो जाएंगे। यह समस्या इस गांव में पिछले कई वर्षों से गर्मी का आगाज होने के बाद हर वर्ष निर्मित होती है, क्योंकि 1000 आबादी वाले नौगुआ गांव में सिर्फ 3 हैंडपंप लगे हुए हैं जो काफी समय से खराब पड़े हुए हैं, पर आज तक न ही जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तभी इस ग्राम में भीषण जल संकट निर्मित होता है। 100 फीट की गहराई तक हुआ बोर, नहीं निकला पानी। कस्बे में व्याप्त जल संकट के निदान हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल जल योजना अंतर्गत मोहंद्रा में 2 बड़े बोर स्वीकृत किए गए। ग्रामीणों की मौजूदगी में अधिकारियों ने सर्वे किया और पानी की प्रचुर मात्रा वाले स्थानों को चिन्हित कर कल दोपहर से बोरिंग कार्य प्रारंभ कराया गया। जानकारी के मुताबिक 600 फीट की गहराई तक बोर कर दिए जाने के बावजूद बोर में उतना पानी नहीं निकला जितनी की संभावना सर्वे में जताई गई थी। ऐसे में पूरे गांव की पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई जाने वाली नवीन नल जल योजना को गहरा आघात पहुंचा है। स्थानीय लोग भी बोर में पर्याप्त पानी न निकलने से निराश है। अनुभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य विभाग से ने उक्त बोर में 5 हॉर्स पावर की मोटर चलाने की बजाय 2 हॉर्स पावर की मोटर पूरी क्षमता के साथ चलने की संभावना भी जताई है। ऐसे में पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति हो पाना संभव नहीं है। इतना जरूर है कि बोर के आसपास के इलाकों में किसी हद तक पेयजल समस्या का निदान हो सकेगा। स्थानीय पंचायत भी पेयजल समस्या के समाधान हेतु अब बोरिंग कार्य कराने की बजाय निर्मल नीर जैसी अन्य योजनाओं से जल संकट के समाधान खोज रही है।
कोटवार संघ ने मनाई अम्बेडकर जयंती। प्रांतीय कोटवार वेलफेयर सोसाइटी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती में काली पट्टी शासकीय कार्य निरंतर संपादित करें। कोटवारों द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश राज्य पत्र क्रमांक 45 भोपाल दिनांक 6 नवंबर 2020 कार्तिक 15 सक 1942 गजट नोटिफिकेशन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम कोटवारों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर कर्तव्य निर्धारित कर दिए हैं। इसके बावजूद शासन द्वारा भूमिहीन कोटवारों को अधिकतम 4000 वेतन दिया जा रहा है। भूमि वाले कोटवारों को मात्र 400 वेतन दिया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों के बंधुआ मजदूर कोटवार बना दिया गया है जो असमय धनिक है। कोटवार संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर समय समय पर शासन प्रशासन वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं को अवगत कराते रहते हैं, परंतु इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कोरोना महामारी में निरंतर कोटवारों की सेवाएं ली जा रही हैं, अतः इस विषम परिस्थितियों में कोटवार संघ हड़ताल करके कोरोना काल में आम जनता की सेवा से वंचित नहीं होना चाहते, जिससे संविधान निर्माता के दिन 14 अप्रैल को कोटवार शासन की विरोधी नीतियों पर कोटवारों ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर कोविड काल पर समाप्त न होने तक वहां पर काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी देगा एवं कोरोना काल समाप्त होने के उपरांत कोटवार संघ सड़कों पर उतरकर उसका सशर्त इस्तीफा प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामूहिक सौंपेगी।